हेलो दोस्तों, आज हम हरियाणा जीके के टॉप 200 प्रश्नों को करेंगे जो कि HSSC द्वारा ली गई परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो बिना देरी किए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, हरियाणा राज्य का गठन कब किया गया था? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? 17वें संविधान संशोधन द्वारा हरियाणा में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 10 सीटें। हरियाणा में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 5 सीटें। हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? कुश्ती। हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल। हरियाणा का राजकीय पुष्प कौन सा है? कमल। हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है? काला हिरण, ब्लैक बक। हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? काला तीतर, ब्लैक फ्रैंकलिन। हरियाणा के नाम का क्या अर्थ है? परमेश्वर का निवास। हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल कुल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा के किस जिले को हरियाणा का हृदय कहा जाता है? जींद को। हरियाणा में सूर्य कवि के नाम से किन्हें जाना जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को। सराय अली वर्दी का मस्जिद कहां पर स्थित है? गुड़गांव में। हरियाणा के किस जिले को पेपर सिटी के नाम से जाना जाता है? यमुनानगर को। हरियाणा में धर्मनगरी किस जिले को कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को। हरियाणा राज्य का सोहना नगर किसके कारण प्रसिद्ध है? गर्म पानी के कुंड के कारण। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करने वाले भारत की पहली हरियाणवी महिला कौन है? संतोष यादव। हरियाणा के किस जिले में जल महल स्थित है? नारनौल में। हरियाणा राज्य की सबसे छोटी नहर कौन सी है? भिवानी नहर। हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? चौधरी बंसी लाल को। आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसे कहा जाता है? चौधरी बंसी लाल को। हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है? कपिल देव को। हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? भीम पुरस्कार। हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब किया गया था? 9 जुलाई 1970 को। हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है? B.N. चक्रवर्ती का। हरियाणा के किस जिले में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्थित है? रोहतक में। हरियाणा के किस स्थान को छोटी कांशी कहा जाता है? कैथल को। हरियाणा के किस जिले में नवग्रह कुंड स्थित है? कैथल में। हरियाणा में प्रथम राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगा था? सन 1970 में। हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 1 मई 1977 को। हरियाणा में शराबबंदी अध्यादेश कब पारित किया गया था? 1 जुलाई 1996 को। हरियाणा में शराबबंदी अध्यादेश को कब समाप्त किया गया? 1 अप्रैल 1998 को। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? लाला मुरलीधर। हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक कौन थे? चौधरी बंसी लाल। पंजाब से अलग होकर हरियाणा भारत का राज्य बना था। 17वां हरियाणा केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? पंडित नेकीराम शर्मा। हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी का कर्ता नाम है? विशाल हरियाणा पार्टी। वर्ष 2000 में राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली पहली हरियाणवी फिल्म कौन सी है? लाडो। किसे हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है? दयाचंद मायना को। हरियाणा के किस जिले को श्रीपद जनपद कहते हैं? कुरुक्षेत्र। हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित हरियाणा की मासिक पत्रिका का क्या नाम है? हरिप्रभा। 1966 में हरियाणा राज्य की स्थापना के समय हरियाणा में कुल कितने जिले थे? 7 जिले। राष्ट्रीय जंतु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो हरियाणा के किस जिले में स्थित है? करनाल में। हरियाणा के लोक थिएटर का जनक किसे कहा जाता है? अली बख्श को। हरियाणा में किस उत्सव को बासोडा भी कहा जाता है? सिली सातम उत्सव को। हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? चंडीगढ़ में। हरियाणा में बहने वाली टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मोरनी की पहाड़ियाँ। हरियाणा के किस जिले में देश की अति आधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र स्थित है? हसनपुर में। हरियाणा के किस जिले में भूतेश्वर मंदिर स्थित है? जींद में। हरियाणा के किस जिले में श्री कृष्ण संग्रहालय स्थित है? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है? करनाल में। खिग्रखां का मकबरा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? सोनीपत में। अंग्रेजों ने किस वर्ष तक संपूर्ण हरियाणा पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया था? 1809 से 1810 तक। हरियाणा राज्य में प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को शहीद दिवस मनाया जाता है, यह दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? राव तुलाराम की याद में। राज्य के किस जिले में गौकर्ण का तालाब स्थित है? रोहतक में। सन 1996 किस राज्य से अलग करके हरियाणा राज्य का गठन किया गया था? पंजाब से। किस समिति द्वारा पंजाब एवं हरियाणा की सीमा तय की गई? J.C. शाह समिति द्वारा। हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था को कब लागू किया गया? 22 अप्रैल 1994। हरियाणा के किस जिले को बावरियों का शहर कहा जाता है? नारनौल। हरियाणा राज्य में वर्तमान में कुल कितने तहसील है? 93 तहसील। अभी तक हरियाणा राज्य में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? 3 बार। वर्ष 1967 में, 1977 में, 1991 में। राज्य के किस जिले में राजघाट गुरुद्वारा स्थित है?
कुरुक्षेत्र जिले में किसे हरियाणा का सूर्य कवि कहा जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद, हरियाणा की पहली फिल्म का क्या नाम है तथा इसे किस वर्ष रिलीज किया गया था? धरती 1968 में। राज्य की पहली सफलतम फिल्म का क्या नाम है? चंद्रावल 1984। हरियाणा राज्य में सूरजकुंड मेले की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1987 में। किसकी सिफारिश पर हरियाणा राज्य की स्थापना की गई थी? सरदार हुकम सिंह की सिफारिश पर राज्य के किस जिले में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना की गई है? सोनीपत में। हरियाणा के किस जिले में सुल्तानपुर झील स्थित है? गुरुग्राम में। हरियाणा का प्रसिद्ध भोला नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? शादी के अवसर पर। अंतरजातीय विवाह योजना के तहत योजना के लाभार्थियों को हरियाणा सरकार द्वारा कितनी राशि दी जाती है? 5 लाख रुपए। हरियाणा के किस समुदाय के लोग जम्भेश्वर को विष्णु का अवतार मानते हैं? विष्णुई समुदाय द्वारा। नई औद्योगिक नीति हरियाणा में कब लागू की गई? 1 जनवरी 2011 को। राज्य के किस जिले में नाहर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? रेवाड़ी में। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला हरियाणा राज्य का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? सूर सम्मान। हरियाणा के किस जिले में डॉक्टर सत्यनारायण की प्रतिमा स्थित है? रेवाड़ी में। हरियाणा भाषा को किस भाषा का प्रारूप माना जाता है? कोरवी। वर्तमान समय में हरियाणा में कुल कितने उपमंडल है? 71। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? 18वां। हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर। हरियाणा के किस स्थान पर महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा के किस जिले में बड़खल झील स्थित है? फरीदाबाद में। हरियाणा के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म स्थित है? हिसार में। मोहर सिंह स्टेडियम मयूर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? फरीदाबाद। हरियाणा के किस क्षेत्र में मुगल कालीन मटिया किला स्थित है? पलवल में। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? सिरसा में। हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी को क्या कहा जाता है? खंडवा। हरियाणा के किस जिले में 11 रुद्री शिव मंदिर स्थित है? कैथल। कुंभी फसल के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला भारत का अग्रणी है? सोनीपत। प्राचीन काल में हरियाणा राज्य के बहादुरगढ़ नगर को किस नाम से जाना जाता था? सराफाबाद। हरियाणा राज्य के रोहतक जिले में स्थित रुईमल मंदिर के शिवालय का जीर्णोद्धार पहली बार किस वर्ष किया गया था? सन 1953 में। हरियाणा के किस जिले में जवाहरलाल नेहरू नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? महेंद्रगढ़ में। औषधि वृक्षों के हेतु राज्य में किस वर्ष वनस्पति वन योजना लागू की गई? 1 नवंबर 2003 को। हरियाणा राज्य के किस जिले से एक समुद्रगुप्त का एक परशु प्रकार का सोने का सिक्का प्राप्त हुआ है? हिसार में। राज्य के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा के किस जिले में बुढ़िया का रंग महल स्थित है? अम्बाला में। हरियाणा राज्य में वार्षिक औसत वर्षा होती है 45 सेंटीमीटर। हरियाणा राज्य में किस वर्ष अंत्योदय अन्न योजना लागू की गई? 2001-02 में। सन 1982 में लाहौर अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व किसने किया था? लाला लाजपत राय ने। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? 21वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? फरीदाबाद। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा। हरियाणा के किस जिले में बड़खल झील स्थित है? फरीदाबाद में। हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? उत्तर पूर्वी भाग में। हरियाणा के किस भाग में वार्षिक वर्षा सबसे कम होती है? दक्षिण पश्चिम भाग में। हरियाणा के किस जिले में मोरनी हिल स्थित है? पंचकुला में। हरियाणा के किस जिले में कोटला हिल स्थित है? मेवात में। हरियाणा में सर्वाधिक किस मसाले की खेती की जाती? हल्दी की। हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 700 से 900 फीट। हरियाणा के किस जिले में ब्लूबर्ड झील स्थित है? हिसार में। हरियाणा के किस जिले में तिलियार झील स्थित है? रोहतक। हरियाणा के किस जिले में दमदमा झील स्थित है? फरीदाबाद में। हरियाणा के किस जिले में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थित है? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा के किस जिले में गेहूं अनुसंधान निर्देशालय स्थित है? करनाल में। हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है? करनाल में। हरियाणा का किस जिले को विज्ञान नगरी साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है? अम्बाला। हरियाणा की सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी कौन सी है? गुड़गांव। हरियाणा का सर्वाधिक 1% वाला जिला कौन सा है? पंचकुला। हरियाणा के किस जिले में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? गुड़गांव में। हरियाणा के मैदानी भाग में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी। हरियाणा के संपूर्ण भूभाग का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र से आच्छादित है? 3.58%। हरियाणा के करनाल में मुख्य रूप से कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? शोरा। मशरूम के उत्पादन में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? पहला। हरियाणा के किस क्षेत्र में सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? कैथल में। महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहां पर है?
झज्जर हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन किया जाता है? यमुनानगर में। किस नदी को हरियाणा राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है? यमुना नदी को। हरियाणा राज्य में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1971। हरियाणा का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? फरीदाबाद। हरियाणा का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? चरखी दादरी। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात कितना है? 879। हरियाणा राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? 573 व्यक्ति वर्ग किमी। हरियाणा में पुरुष साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? 84.06%। हरियाणा में महिला साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? 65.94%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य का कुल साक्षरता प्रतिशत 75.55% है। हरियाणा का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गुड़गांव। हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? मेवात। हरियाणा के किस क्षेत्र में अरावली की पहाड़ियां स्थित है? मेवात क्षेत्र। हरियाणा में सदा बहने वाली नदी कौन सी है? यमुना नदी। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक खनिज भंडार पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में। हरियाणा की सर्वाधिक क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? रेतीली दुमटी मिट्टी। हरियाणा के किस जिले में मोरनी की पहाड़ियां स्थित है? पंचकुला में। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक मैंगनीज पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में। बासमती चावल के उत्पादन के लिए सुप्रसिद्ध हरियाणा के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? करनाल को। हरियाणा राज्य के रोहतक जिले में मुख्य रूप से कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? चूना। हरियाणा राज्य की सीमाएं देश के कितने राज्यों की सीमाओं से लगती है? 5। हरियाणा की जलवायु किस फसल के उत्पादन के लिए विशेष रूप से उपयोगी और अच्छी है? गेहूं। हरियाणा के किस जिले में लाल चेस्टनट मृदा पाई जाती है? यमुनानगर। हरियाणा राज्य में पाई जाने वाली किस मृदा को हरियाणा में घर और कंधी कहा जाता है? गिरिपादी या मिट्टी। हरियाणा राज्य का कौन सा जिला देश के किसी अन्य राज्य की सीमाओं को स्पर्श नहीं करता है? रोहतक और चरखी दादरी। बल्लभगढ़ का अंतिम राजा कौन था जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय दिया? नाहर सिंह। हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं हरियाणा के किस क्षेत्र से प्राप्त हुई है? सोनीपत। ऐतिहासिक नगर रानिया हरियाणा के किस जिले में स्थित है? सिरसा में। चीनी यात्री ह्वेनसांग किस सम्राट के समय हरियाणा के क्षेत्र में आया था? राजा हर्षवर्धन। हरियाणा के किस प्राचीन नगर का नाम सरपदमन है? सफीदों। महम किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? रोहतक। महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? बहुधान्यक। हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल राखीगढ़ी हरियाणा के किस जिले में स्थित है? हिसार में। सन 1761 में मराठों व अहमद शाह अब्दाली के बीच हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? पानीपत का तीसरा युद्ध। 1756-57 में हरियाणा राज्य किसके नियंत्रण के अधीन था? मराठों के। 30 जुलाई 1919 को अंग्रेजों ने गांधी जी को हरियाणा के किस क्षेत्र से गिरफ्तार किया था? हिसार से। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया? नारनौल। रेवाड़ी। कौन सा सिख गुरु स्वयं को सच्चा बादशाह के नाम से पुकारता था? गुरु हरगोविंद जी। हरियाणा के पहले सूफी संत कौन थे? शेख मोहम्मद तुर्क। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर है? थानेसर कुरुक्षेत्र में। शेख चिल्ली का मकबरा किसने बनवाया था? अकबर ने। अम्बाला छावनी सैनिक अड्डा हरियाणा में किस वर्ष बना था? सन 1843 में। हरियाणा में स्थित सूरज कुंड का निर्माण किसने करवाया था? सूरजमल ने। हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास झाड़ूफिरी किसने लिखा था? राजा राम शास्त्री। ऋग्वेद में हरियाणा को किस नाम से उल्लेखित किया गया है? रज हरियाणे। सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? अकबर। चंडीगढ़ में स्थित रॉक गार्डन की नींव किसने रखी? नेकचंद सैनी। किस मुगल शासक के शासनकाल के दौरान रेवाड़ी के लाल मस्जिद का निर्माण किया गया था? अकबर। आधुनिक हरियाणा के कौन सा क्षेत्र बौद्ध काल के समय महाजनपदों में शामिल था? कुरु और पांचाल। किस ग्रंथ से तोमर शासकों के शासनकाल के दौरान हरियाणा में व्यापार कला व संस्कृति की उन्नति की जानकारी मिलती है? यस्तिलक चंपू। हरियाणा के किस जिले को प्राचीन समय में नदीग्राम के नाम से जाना जाता था? नारनौल को। महमूद गजनवी ने हरियाणा के थानेश्वर नगर पर कब हमला किया था? 1014 में। हरियाणा राज्य के हिसार शहर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। बल्लभगढ़ के किले का निर्माण कब किया गया था? सन 1739 में। हरियाणा के किस शासक ने पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद मराठा शरणार्थियों को आश्रय दिया था? उत्तर, सूरजमल ने। 1857 के विद्रोह के समय राम तोलाराम ने हरियाणा के किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया था? नारनौल में। महाभारत में वर्णित हरियाणा का प्रसिद्ध नरकतारी तीर्थस्थल किस नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती नदी। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के समय रेवाड़ी का शासक कौन था? हेमचंद। हरियाणा राज्य में स्थित अनकपुर बांध का निर्माण कब हुआ था? 8वीं शताब्दी में।
हरियाणा राज्य के सिरसा जिले को महाभारत काल में किस नाम से जाना जाता था? सौरशिका, किस तुगलक शासक ने हरियाणा के हिसार जिले में फतेहाबाद नगर को बसाया था? फिरोज तुगलक, किस शासक ने हरियाणा में अपना अभियान शुरू किया था? सुभाष ने, प्रसिद्ध चीनी यात्री को हवेनसांग ने अपनी पुस्तक में हरियाणा के किस क्षेत्र की वैभव और समृद्धि का उल्लेख किया है? थानेश्वर, किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी में हरियाणा पर आक्रमण कर तोमरों को परास्त किया था? राजा अन्नो ने, चौधरी छोटूराम को हरियाणा के किस बांध के जनक के रूप में जाना जाता है? भाखड़ा बांध, गुलाम वंश का वह शासक जिसने हरियाणा के अधिकांश जंगल कटवा दिए एवं लोगों पर अत्याचार किया। बलवन ने, हरियाणा के भिवानी में नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? राधा कृष्ण वर्मा ने, राजा जमियत सिंह हरियाणा के किस रियासत के शासक थे? थानेसर के, हरियाणा में भारत धर्म महामंडल की स्थापना सन 1887 में किसने किया थी? पंडित दीनदयाल शर्मा ने, किस चौहान शासक ने राजस्थान के गोहाना शहर का नामकरण किया था? पृथ्वीराज चौहान ने, हरियाणा राज्य का कौन सा शहर राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के समय वैभवता से संपन्न था? थानेसर, किस मुगल शासक के शासनकाल के समय हरियाणा के नारनौल क्षेत्र में सनातनी सैनिकों एवं मुगल सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ था? औरंगजेब के शासनकाल में खुदाई के दौरान हरियाणा राज्य के किस जिले से शेषया पर लेते हुए भगवान विष्णु की मूर्ति प्राप्त हुई है? सोनीपत फाजिलपुर में बल्लभगढ़ के किस शासक ने 1857 के विद्रोह के समय वीरता का परिचय दिया था? नाहर सिंह ने, राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेसर में कब स्थापित की? 7वीं शताब्दी में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।